एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 ऐसी कुछ है, 7 बजने वाले हैं। और जस्ट मैंने ब्लॉग का एंड किया है अभी जस्ट, और अभी दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है बहुत लंबी हो जाती है। और ये लोगों को देखिए कहाँ चढ़ के बैठे हुए हैं, गिर जाओगे तो। हाँ, ये लोग यहाँ पर चढ़ के बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं नीचे, थोड़ा सा रेडी वेडी हो रहे हैं। रेडी वेडी क्या हो गए हैं, और कविता भी रेडी हो रही है। ये देखिए, सिंपल नहीं लगे करना है ना, मैं हल्की वो उसमें डब्बे में, डब्बे में लिपस्टिक है ना वो वाली, जाओ बाबू ले आओ, जो ले गई रखी हो ना उसको ले आओ। हाँ, नहीं देते इसको यार, तो लगा लो ना, अच्छी तो है। तुम लगाओ लिपस्टिक मेरे, हमको फैल ना जाए। ला मैं लगा दूँ, मिल जाएगा। हाँ, लगा खुद ही नहीं बना करते ब्रश वाले, अपने से लगा लेते हैं। ये देखिए रिमझिम क्या कर रही है, लिपस्टिक लगा रही है। बाबू हाय से, हाय आ जाओ, नहीं नहीं आया करना तो बस। हाँ हाय, ये देखो अब हाय कर रही है। आप हाय तक लगा रही, तो बस स्टार्ट हो गया हमारा दूसरा ब्लॉग। और अभी थोड़ी देर बैठेंगे फिर चलेंगे नीचे, क्योंकि केक वगैरह कटेगा, केक कटेगा ना बाबू का, और खाना पीना बन चुका है, सारी चीजें हो चुकी। ये क्रीम ले गए, क्रीम ले गए, इधर इधर ना। ये देखिए क्या कर रही हो, फेयर एंड लवली, ये मिट्टी। तो बस, और यहाँ का व्यू देखिए, ये है क्या है, लकड़ी रखी हुई है। ये देखिए टिकटॉक ही समझ लीजिए, टिकटॉक ही समझ लीजिए। कौन है, इनसे मिली है, बताइए कौन है आप? हम अपने आप को बोल रहे हैं, महेश सिंह है। कौन है? आपकी सिस्टर, आपके भाई। आपके भाई? हाँ, मेरे भैया हैं, यानी कि मेरी जो बड़ी जिठानी है ना, उनके पागल यार भाई हैं, छोटे भाई हैं। सबसे छोटे ना भैया? सबसे छोटा हूँ। चुप रहो यार, और अपनी वाइफ को लेकर नहीं आए है ना? अकेले नहीं आए, बेटी आई है। बेटी आई है, बेटा भी तो आया है। बेटा भी है, जब तक लीजिए नहीं आए तब तक। हाँ, कोई लेने नहीं गया इसी वजह से नहीं आए है ना। ऐसे लग रहा जैसे कुछ जानते नहीं, एकदम सीधे बोलने वाले है ना। हाँ, ताकि सब सोचे कि हाँ बहुत सीधे भाई है इनके, है ना। आप छोटा ही भाई तो हूँ। लेकिन हाँ सीधे हैं, वैसे हैं, मेरे वो वाले भाई की तरह नहीं है, परेशान करते हैं, ये अच्छे हैं। तो बस चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर से आप लोगों से, ठीक है? तो गाइस अब जा रहा है केक कटने के लिए, और हम जा रहे हैं, आप लोगों को भी आना है केक खाना, तो खा लीजिए। और खाना खा चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह नहीं खाई थी और मुझे भूख लगी थी, थोड़ा सा बस दाल चावल खाई थी, पता नहीं फैन की वजह से आवाज़ आ रही होगी नहीं। तो बस चलिए चलते हैं, मम्मी आई है बुलाने के लिए। चलो कविता, अंधेरा है, चलो चलो। कहाँ, यहाँ नहीं करना, बाहर तो घूंघट करना पड़ेगा। हेलो, तो गाइस ये रहा बाबू का केक, कितना ज़्यादा प्यारा है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। इसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स बने हैं ना, मुझे वैसे भी फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और पूरा मल्टी कलर का डेकोरेशन था, पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल, मतलब कोई भी कलर की इसमें कोई भी कमी नहीं थी। और ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये है महेश भैया, यानी मेरी जिठानी की, ये जो है ना इनके बड़े भाई, फिर भाभी बाबू को ली हुई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, साथ उनके हाथ में दर्द होने लगा, बोली मेरे हाथ में दर्द हो रहा, तो वो विक्रम जो है ना, मेरे जो मौसिया सास के लड़के, उनको दे दी। और यहाँ पर बाबू को तिलक नहीं लगा हुआ था, तो वही बात हो रही थी, तो वही मम्मी अपना गई, बोली कि तिलक लगा दो, और मैं उसको बुला रही थी, आप देख लो, क्योंकि उसका मुंह बन गया था, वो बहुत देर से बोल रही थी मम्मा बाबू केक कट कर, मम्मा बाबू केक कट कर। उसको मतलब पसंद है, जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, चाहे घर में मेरा हो या इनका हो, बाबू के पापा का, या फिर मेरे मायके में प्रियांशी का, प्रियांशु का, किसी का भी हो ना, तो वो आगे पहले खड़ी हो जाती है केक कट करने के लिए। कई वीडियो ऐसी हैं जो मेरे पास हैं,
और वो देखिए मुंह बनाई बेचारी गोद में है विक्रम के, तो मैं उसी को देख रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर में केक कट हो जाता है तो मैं उसको बहला लेती हूँ, और वो मुझे ही ढूंढ रही थी। मैंने कहा अभी मैं सामने आ जाऊँगी ना तो वो चालू हो जाएगी, मम्मा केक काट मम्मा केक काट, इसीलिए मैं अंदर चली गई थी। फिर वो ज़िद करने लगती, फिर परेशान करती और फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं बाहर खड़ी थी। जब मैंने उसको देखा तो फिर मैं फटाक से अंदर चली गई। मैंने कहा केक कट जाता है तो मैं उसको ले जाके बहलाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी अंदर चली गई थी तिलक लेने के लिए, ये देखिए, क्योंकि बाबू को लगी नहीं थी तिलक। और फिर ये रिमसी मैं, यानी कि मेरे बड़ी भाभी की लड़की, अब तो मिल ही चुके हो। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, यानी कि ये जो मेरे भैया हैं इनके मतलब साले आए थे और उनके बच्चे बेटी, और मेरी देवरानी के भैया भाभी और उनकी बड़ी वाली भाभी के दो बच्चे, और मेरी बड़ी वाली नंद, अभी मैं आप लोगों को मिलवा दूँगी। काफ़ी लोग आए थे। तो ये देखिए बाबू केक काट रहा है। बहुत खुश था, मतलब ये चीज़ अच्छी लगी कि वो रोता नहीं है, बहुत ही क्यूट है। इसके बाद फिर बाबू को मैं ले गई, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो जो मेरी देवरानी है जो मेरे साथ वहाँ पर रहती है, वो काफ़ी चुप करा रही थी उसे कि चलो बाबू हम लोग बड़ा केक मंगवाएंगे तुम्हारे लिए, कट करवाएंगे, यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो इस टाइम हम लोग अंदर हैं इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो रो रही थी और मैं और कविता उसे चुप कराने में लगे हुए थे। तो बस इसी तरीके से केक कट भी गया, तो आधा मैं देख पाई आधा नहीं देख पाई बाबू के चक्कर से। और यहाँ पर ये है मेरी नंद, इनसे तो आप मिल ही चुके हो, ये लगा रही है केक, मतलब केक बिस्किट, और बाबू को देखो कैसे खेल रहा मार रहा है। बस इसी तरीके से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई, और नमकीन बिस्किट वगैरह सारी चीज़ें लग रही हैं। तो इसको केक खिलाया जा रहा है, और ये थे मेरे देवर जो आगे आके देख रहे थे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये जो ग्रीन साड़ी में ना, ये मेरी बड़ी वाली नंद है, अभी मिलवाऊंगी मैं आप लोगों को। और ये जो है यहाँ पर बैठी हुई थी ना, ये है अंजू की भैया भाभी और उनकी बच्चियाँ। तो बस फटाफट से चलिए केक लगवा लेते हैं, लगा लेते हैं जो भी है, मतलब मैंने लगवाई थी, ये कंचन लगा रही है क्योंकि उसे अपने हिसाब से लगाना था। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है। और ये है मेरी बड़ी वाली नंद जिनको मैं बता रही थी ग्रीन साड़ी में, सबसे बड़ी, यानी कि मेरी दो नंद है, सबसे बड़ी ये है। छोटी से तो आप लोग मिल चुके हो, बड़ी से भी मिल लो और हम लोगों की बातें भी सुन लो, जल्दी मुलाकात नहीं हो पाती है इनसे। जो दो जोड़ा बैठा देख रहे हैं, खा रहे हैं, हट जाओ, केक नहीं खाते, गिलास गाड़ी में ही होगा ना? गाड़ी में। तो रात के बज रहे हैं इस टाइम 10:30, 10:30 बजे अब हम लोग जा रहे घर के लिए निकलने, आज ही जाएंगे। हाँ तो चलिए फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, साड़ी वाड़ी भी सही करने का टाइम नहीं मिल पाया और आप लोगों से उतने अच्छे से बात भी नहीं कर पाई, उतने अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाया। तो बस चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं घर पर, ठीक है, तब तक के लिए बाय घर के लिए। मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, जल्दी जल्दी से बताइए, अच्छे ही होंगे। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कितने बजे मॉर्निंग हो रही है आज हम लोगों की? 10:30 बजे 10:30 नहीं 10:45 हो गए, तो अब हुए 10:45। हाँ आज हम लोग उठे 10 बजे, और जैसे आज बाहर का काम हमारा, अंदर का काम इनका। हाँ और ये देखिए कंडीशन तो देख लीजिए, ओ माय गॉड, क्या बताऊँ मैं आपको। कल आए हम लोग गाँव से, मतलब एक दिन जाना एक ही दिन में आना, हालत खस्ता हो जाती है। और ये मेरी चूड़ियाँ देखिए, बाबू की वजह से टेबल पर रखी हुई थी यहाँ पर, और जैसे ही बाबू आई मैंने इसमें जल्दी जल्दी से भर दिया, क्योंकि जैसे ही वो उठी मम्मा बाथरूम, जैसे ही वो उठी उसका चालू हो गया। और जस्ट मैं अभी बना कर लाई हूँ चाय,
और इनसे मैं बोल रही पी लो, तो इनका तो काम ही नहीं खत्म हो रहा है। बस चाय पी रही थी मैं और मैंने इनको बोला कि पी लो तो ये सुन ही नहीं रहे, काम में मगन है यार। जब तक आप चाय नहीं पीते ना आपसे कोई भी काम नहीं हो पाता है ना। चुस्ती आ गई। क्या कर रहे हो आज? ये बोले हैं कि आज मैं पूरी अपनी अलमारी साफ करूंगा। क्यों अपने पूरी अलमारी साफ करेंगे? और चलती हूँ आप लोगों को बाबू को दिखाती हूँ थोड़ा सा। बाबू बाबू, कल सच बता रही हूँ हालत इतनी ज्यादा खराब थी। तुम्हारे पापा लाए नहीं कपड़ा, अभी मेरी वीडियो नहीं बनाएंगे। कल हालत बहुत ज्यादा खराब थी। चिंता मत करिए आपकी नहीं बनाऊंगी। मम्मा चाय दो। चाय बाबू को दिखाने आई। बाबू हाय। हाय हाय। कल का अच्छा आ रही है आपकी। कहाँ गई थी कल पूछी अपने आप? गाँव। गाँव गई थी? किसके बर्थडे में गई थी? छोटे बाबू को। हाँ कल आ गए थे छोटा बाबू के। अरे वाह। मम्मा चाय दो। चाय दें? अच्छा ये गरम है मम्मा चाय। तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर से, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस गला खराब हो रहा है, ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी मैं। मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि कल जैसे कि आपको बताई कि रात में आई थी, हालत मेरी खराब थी, टाइम नहीं मिल पाया ब्लॉग का एंड करने का। फिर सुबह भी स्टार्ट हो गई मैं, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कल के ब्लॉग का एंड करना और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करना है। बट कोई नहीं, जैसा भी है इसी में हो जाएगी सारी चीजें। और यहाँ से मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत और चलती हूँ किस लिए, दूसरे ब्लॉग का स्टार्ट करने के लिए। तो बस आज की ब्लॉगिंग आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर। कोई भी कमी लगी हो तो सजेस्ट जरूर किया करिए, अच्छा लगता है जब आप लोग सजेस्ट करते हो। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और बाबू का भी मेरे बर्थडे जल्दी ही आ रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पिछले साल हम सब ने साथ में मनाया था जब बाबू पैदा हुआ था, उसके बाद मेरी बाबू का बर्थडे था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था हम सब साथ में मनाएंगे दोनों बाबू का, क्योंकि 7-8 दिन का गैप था तो क्या अलग अलग करना, लेकिन अलग अलग ठीक है जैसा है जो भी है ना, अब क्या कर सकते हैं। तो बस बाबू का भी बर्थडे जल्दी आ रहा है, आप लोग एंजॉय कीजिएगा और वेट कीजिएगा। तो मिलती है अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए क्या बाय बाय।